दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को शाहदरा जीटी रोड पर लोक निर्माण विभाग द्वारा सीलमपुर और शास्त्री पार्क में बनाए जा रहे दो निर्माणधीन फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का जायजा लिया। मुख्यमंत्री के साथ शहरी विकास मंत्री सतेंद्र जैन, सीलमपुर के विधायक व कृष्णानगर के विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से फ्लाईओवर के निर्माण कार्य की प्रगति रिपोर्ट ली। इसके साथ ही उनके कार्य को सराहते हुए निर्माण कार्य में और तेजी लाने के आदेश दिए। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शाहदरा जीटी रोड दिल्ली के एक व्यस्त मार्गों में से एक है। इसे जाम मुक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार शुरू से ही प्रयास करती रही है। पहली बार सत्ता में आते ही आम जनता से हम लोगों ने जीटी रोड को जाम मुक्त बनाने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि जनता का वो सपना अगस्त में पूरा हो जाएगा। फ्लाईओवर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। दोनों फ्लाईओवर का अगस्त में उद्घाटन कर वाहन चालकों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। फ्लाईओवर के सीधे वाले हिस्से को भी शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें, शास्त्री पार्क फ्लाईओवर के दो लूप भी हैं, एक उस्मानपुर दूसरा गांधीनगर की ओर जा रहा है। दोनों लूप अगले 1.5 महीने में बनकर तैयार हो जाएंगे। उसके बाद फ्लाईओवर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने फ्लाईओवर के निर्माण कार्य पूरा होने का समय अगस्त 2020 तय किया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से निर्माण कार्य बंद हो गया था, इसलिए थोड़ा समय और लग सकता है, लेकिन फ्लाईओवर का काम पूरा हो जाएगा। साथ ही कहा कि फ्लाईओवर की लागत 303 करोड़ थी, लेकिन साफ नियत के चलते 250 करोड़ रुपए में ही हमने इसको बनाकर तैयार कर दिया। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।